हेलो दोस्तों, तो मैं सुमन स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, या आप कह दीजिए कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो हम लोग दूर करने वाले हैं। और ये डिस्कस करने वाले हैं कि पहली बात तो ये पता करेंगे कि इंटीग्रेटेड पीएचडी का जो कोर्स होता है वो कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, फेलोशिप वगैरह कैसे मिलती है, ठीक है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेटेड पीएचडी का जो कोर्स है वो सही है या गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मैंने साइन बनाया गलत और सही, ठीक है, राइट और रॉन्ग। अब यार कौन इतना लिखेगा, ठीक है। चलो तो अब क्या है कि इंटीग्रेटेड पीएचडी, पहली बात तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि इंटीग्रेटेड कोर्स है, ठीक है। आप बीएससी करके इसमें एडमिशन लेते हो, मतलब कि ये भैया पहले आपको एमएस या एमएससी कराएगा और फिर उसके बाद आपको पीएचडी कराएगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे कोर्स होता है। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो 6 to 7 years होती है, ठीक है ना। इसको ध्यान में पहली बार सही से सुनिएगा, 6 से 7 साल इसकी ड्यूरेशन होती है। मिनिमम 6 साल आपको लेना ही लेना है, और अगर आप 6 साल में नहीं कर पाते हो पीएचडी तो उसको 7 साल कर दिया जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही, मतलब 1 महीने का 6+1 ये लिखा जाता है, ठीक है। और कई इंस्टीट्यूट्स में ऐसा है कि वो 6 साल तक ही फेलोशिप देते हैं, 7वें साल में नहीं देंगे, ठीक। और कुछ में ऐसा है कि वो 7 साल तक देंगे। बिल्कुल सही है, जो 6 से 7 साल तक का ये कोर्स है। अगर आप 6 साल में कर लेते हो तो 2 साल का आपका एमएससी और 4 साल की आपकी पीएचडी, मतलब आपके जीवन का या पढ़ाई काल का 1 साल बच जाता है, ठीक है। अगर नहीं ऐसा करते हो तो 2 साल की एमएससी और 5 साल की पीएचडी, तो ये 7 साल आपके लगने हैं, ठीक। तो सोच समझ के इसमें एडमिशन लेना चाहिए, पहली चीज़ तो यही बता दूँ। अब देखिए इसमें होता क्या है, इंटीग्रेटेड पीएचडी में भैया अगर आप एडमिशन लेते हो तो इसमें किया क्या जाता है, इंस्टीट्यूट क्या करता है कि 3 साल में आपको एमएस कराता है, ठीक है ना। एमएस या आप समझ लीजिए एमएससी कराता है, कितने साल में, 3 साल में, ठीक है। और फिर इसके बाद 3 या 4 साल में आपको क्या कराता है, ये पीएचडी, ठीक है। तो पहले आप 3 साल में एमएस करते हो या एमएससी करते हो, ठीक। इसके बाद एक क्या होता है, एक मतलब ऐसा कह लीजिए एक एग्ज़ाम होता है, एक टॉक होती है, ठीक। उसमें आप क्या होते हो, पास होते हो, फिर आपको पीएचडी में इनरोल किया जाता है। इस 3 साल के दौरान, ये जो 3 साल है आपका, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको फेलोशिप मिलती है, ठीक। इंटीग्रेटेड पीएचडी का ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि आपको एमएस में भी या एमएससी में ही फेलोशिप मिलना शुरू हो जाती है। तो क्या होता है, इसमें 2 साल तक, पहले 2 ईयर में, आइजर का पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। और एक इंस्टीट्यूट है नाइजर, उसमें ज़्यादा फेलोशिप दी जाती है, ठीक है। उसके फेलोशिप का मुझे आइडिया नहीं है कि उसमें जो है शुरुआत से ही एमएस के आप पहले ईयर से ही जाओगे तो उसमें 21,000 देते हैं, ठीक है ना। तो मैं नॉर्मल इंस्टीट्यूट जो हैं अपने वो कितने पैसे देते हैं या आइजर्स कितने पैसे देते हैं वो मैं बताता हूँ। तो आपका 3 साल का एमएस में 2 साल क्या होगा भैया, आपको कितना मिलेगा, 10 से लेके 10 to 16,000 पर मंथ, 10 से लेके 16,000 रुपये तक आपको मिलेगा इसमें 2 साल, पहले 2 साल। थर्ड ईयर में आप जाओगे तो कुछ इंस्टीट्यूट्स, जैसे आप थर्ड ईयर में चले गए तो थर्ड ईयर में जाते ही इंस्टीट्यूट आपसे पूछता है कि भैया क्या तुम एमएस लेके एग्जिट करना चाहते हो। जैसे आप क्या कर लो कि भैया, मतलब इंस्टीट्यूट आपको क्या देगा, ऑप्शन देगा कि आपको एमएस करके निकलना है या यहीं पे पीएचडी करनी है। आपने कह दिया कि मुझे एमएस लेके निकलना है, ठीक है, तो थर्ड ईयर में भी आपको यही जो सेम फेलोशिप है ये मिलेगी, ठीक। और आपको एमएस की डिग्री देते हुए ये लोग क्या कर देंगे, बाइज्जत बरी कर देंगे, ठीक है ना। मतलब ये क्या करेंगे, आपको एमएस की डिग्री देके निकाल देंगे, मतलब आप एमएससी क्वालिफाई हो गए, कितने साल में, 3 साल में, ठीक है। बिल्कुल सही है। अगर आपने कहा कि मुझे पीएचडी कंटिन्यू करनी है तो ये क्या करते हैं कि ये जो तीसरे साल में ये जो यहाँ पे आपको 10 से 16,000 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या करते हैं, 31,000 जो कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है अपनी, 31,000 पर मंथ, माइनस में जो यहाँ पे आपको फेलोशिप 2 साल की ये जो मिल रही है ना, -10 to 16K पर मंथ, ठीक है ना। इसको काट के ये जोड़ते रहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको अगर 10,000 मिल रही है तो 21,000 रुपये ये हर महीने रखते रहेंगे, और साल के एंड में जब आप पीएचडी में इनरोल कर जाओगे, यहाँ पे एक आप अपना पीएचडी में डिग्री में एडमिशन लेने वाला एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे, तो आपको यहाँ पे जो 21,000 रुपये कट रहे हैं वो इकट्ठा करके 12 महीने का आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। और फिर थर्ड ईयर, यहाँ पे देखो, यहाँ जब आप फोर्थ ईयर में पहुँचोगे, क्योंकि आप
इंटीग्रेटेड पीएचडी के जब फोर्थ ईयर में पहुंचोगे तो आपको जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है जेआरएफ की जो फेलोशिप है 31,000 पर मंथ वो यहां से कंटिन्यू मिलने लगेगी। ठीक है, चौथे साल में आपको 31,000 मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ, चौथे साल में 31,000 पूरा मिलेगा आपको हर मंथ। फिफ्थ ईयर में जैसे जाओगे तो आपको वहाँ पे एक सेमिनार देना होगा जिसका नाम होता है जेआरएफ टू एसआरएफ, मतलब जूनियर रिसर्च फेलो टू सीनियर रिसर्च फेलो के लिए आपका एक सेमिनार होगा। उसको आप अगर क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है ना, वो इंस्टीट्यूट में ही कराया जाता है, अगर उसको क्वालिफाई कर लेते हो, वहाँ पे जो पैनल बैठता है उसमें आप सेटिस्फैक्टरी स्कोर कर ले जाते हो तो आपको फिफ्थ ईयर से एसआरएफ बना दिया जाता है, मतलब सीनियर रिसर्च फेलो बन जाते हो। इसमें आप क्या रहते हो भैया, जूनियर रिसर्च फेलो। अब भैया फिफ्थ ईयर में एसआरएफ बन गए, आपने सेमिनार दिया, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया जेआरएफ से एसआरएफ हो गए क्या फ़ायदा हुआ, तो आपका जो फेलोशिप है वो 35,000 हो जाता है। यहाँ पे 31,000 पर मंथ था, अभी 35,000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल समझ गए, थर्ड ईयर में ये मिलेगा और ये है पूरा आपके इंटीग्रेटेड पीएचडी का ढांचा। ठीक है, तीन साल आपको एमएससी करा के, अगर आपको बाहर जाना है आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। 6 से 7 साल का कोर्स है, अगर आपको यहीं पढ़ना है तो आप पढ़िए, नहीं पढ़ना है छोड़ना है छोड़ दीजिए, आपको बाहर जाना है या यूएस मतलब फॉरेन कहीं से पीएचडी करनी है तो आप अप्लाई करके जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही है, इतना समझ गए। अब देखिए, अब है कि ये इंटीग्रेट पीएचडी का कोर्स सही है या गलत है, तो देखिए हर एक कोर्सेज के अपने अपने पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉइंट ये है, जैसे पहली चीज़ पॉजिटिव पॉइंट, अगर आपने 6 साल में इंटीग्रेट पीएचडी कंप्लीट कर ली, 6 साल में कंप्लीट कर लोगे तो ये होगा भैया कि आपका 1 साल आपके जीवन का वो बच जाएगा। ठीक है ना, 1 साल कैसे बच जाएगा, जैसे अगर आप कहीं और से एमएससी करते तो 2 साल लगता, तुरंत आप पीएचडी करने चले जाते तो 5 साल और लगता, तो टोटल 7 साल हो गया, लेकिन आप यहाँ पर 6 साल में पूरी एमएससी और पीएचडी दोनों की डिग्री लेके जा रहे हो। ठीक, पहली चीज़ ये फ़ायदा है। दूसरा, आपको एमएससी में ही आपको फेलोशिप मिलने लगेगी। ठीक है ना, अच्छी जगह जाओगे ज़्यादा फेलोशिप मिलेगी, थोड़ा कम अच्छी जगह होगे तो वहाँ पे थोड़ा कम फेलोशिप मिलेगी। ठीक है ना, लेकिन जितने भी रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ पे अच्छा ही कोर्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है, वहाँ पे आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो ये फ़ायदा होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि इंटीग्रेटेड पीएचडी का जो फी है, फी स्ट्रक्चर है, वो अगर मैं कहूँ तो जो आइजर्स हैं इसमें इंटीग्रेटेड पीएचडी का जो कोर्स है उसमें पर सेमेस्टर 50 to 60,000 रुपीज़ लगते हैं। ठीक है ना, मतलब कि आप ये मान लीजिए कि अगर आपको कोई आइजर 10,000 रुपये महीने दे रहा है और 50,000 फीस ले रहा है, तो मतलब यही हो गया कि जितना वो फेलोशिप दे रहा है उतना आपका ले रहे हैं, मीन्स फ्री में आपको पढ़ाएंगे बस वो। ठीक है ना, एमएससी आपकी फ्री में होगी। ठीक, इतना ध्यान में रख के आप यहाँ पे ले सकते हो एडमिशन। और इंटीग्रेटेड पीएचडी का एक और फ़ायदा होता है कि पहली चीज़ तो आप जब जाओगे, जैसे मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे कोर्स जो इंटीग्रेट पीएचडी में एमएस का कोर्स है वो 3 साल का है, इसमें क्या करते हैं 2 साल आपको कोर्स वर्क कराया जाता है जिसमें आप काफ़ी चीज़ सीख पाओगे, एक्सप्लोर कर पाओगे कई एरिया, और थर्ड ईयर में जाके, ठीक है ना, क्योंकि नहीं पता होता कि मैं किस में रिसर्च करूँ किस में ना करूँ, तो इंटीग्रेटेड पीएचडी का ये सबसे अच्छा पॉइंट होता है ना कि अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो तो आपको समर में विंटर में, ठीक, जितने भी समर आएंगे जितने भी विंटर आएंगे, 4-4 महीने का यहाँ पे सेमेस्टर होता है इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स जो इंस्टीट्यूट कराते हैं, तो 4 महीने का क्या होगा भैया, आपका पूरा कोर्स वर्क चलेगा, 4-4 महीने का, 4-4 महीने का सेमेस्टर होगा, और जो बचे 4 महीने हैं, 2 सेमेस्टर होंगे साल भर में, 4 महीने बचेगा आपका, उसमें आप इंटर्नशिप कर सकते हो। इंटर्नशिप करके आप ये एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपका किस रिसर्च एरिया में इंटरेस्ट है। ठीक है ना, जिस रिसर्च एरिया में फिर इंटरेस्ट हो उसमें आप अपनी पीएचडी परस्यू कर सकते हो। ठीक है, तो 3 साल में ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड में जाके रिसर्च करके अपना इंटरेस्ट जानने का मौका मिलता है। ठीक, बिल्कुल सही है, ये आप समझ गए कि इंटीग्रेटेड पीएचडी के फ़ायदे क्या हैं। अभी मान लीजिए नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि ये भैया एमएससी 3 साल में कराएंगे, ठीक है, और कहीं करने जाओगे एमएससी वो 2 साल में करा देते हैं, ये देखो ये नुकसान हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मतलब इंटीग्रेट पीएचडी का कोर्स चूज़ कर लेते हो और ये मतलब ये
इंटीग्रेटेड पीएचडी का कोर्स मतलब करने के बाद बहुत रेयर होता है कि लोग इस इंस्टीट्यूट को छोड़ के कहीं मतलब कहीं दूसरी जगह जाएं, अनटिल उनको कहीं फॉरेन में ना मिल जाए। फॉरेन में मिल जाएगा आप चले जाओगे पीएचडी करने, लेकिन अगर पीएचडी फॉरेन में नहीं मिलेगा तो आप यहीं से कंटिन्यू करोगे, यहां से आप कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट में कभी ट्राई ही नहीं करोगे, ये पक्का है, ठीक है ना। किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में अगर आपने इंटीग्रेटेड पीएचडी परस्यू कर ली तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। अगर आप एमएससी कहीं से करते हो मान लीजिए 2 साल की, ठीक, फिर आपके पास अगर आप नेट जेआरएफ निकाल लेते हो तो फिर आपके पास एक बहुत ब्रॉड एरिया खुल जाता है इंस्टीट्यूट्स का, जहाँ पे आप जाके पीएचडी कर सकते हो। और बताऊँ तो आईएससी बेंगलोर तक का एरिया खुल जाता है कि आप आईएससी बेंगलोर में भी जाके पीएचडी कर सकते हो। बट यहाँ पे दिक्कत यही है कि आप एक बार इनरोल कर लेते हो फिर आप कहीं पे भी पीएचडी वगैरह के लिए अप्लाई नहीं करते हो। आपने एमएससी कर ली फिर आप मतलब मेरे हिसाब से मेरा ऐसा है कि जैसे आप कर लिया 3 साल मान लीजिए आपने एमएस कर ली, फिर आप सोचोगे कि 3 साल और कर लेता हूँ पीएचडी कर लूँगा, बाकी और कहीं जाओगे तो आपको 5 साल लगेगा, है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट भी है कि 3 साल की एमएससी मिल रही है उसके बाद छोड़कर किसी और इंस्टीट्यूट में जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है भाई साहब। तो ये है थोड़ा निगेटिव पॉइंट है। बाकी इंटीग्रेट पीएचडी से रिलेटेड और कोई इसके अलावा आपको जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे भैया बिना हिचकिचाए आप कमेंट करिए, मैं सारे कमेंट्स के आंसर दूंगा जितना मुझे पता है, ठीक है ना। तो ये थी पूरी इंटीग्रेटेड पीएचडी की इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा और कुछ जानना हो तो ज़रूर हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।